स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का मेरे जानी के मनजीत कौर वालों स्वागत है। सब तो पहला छोटे साहबजादियां अते माता गुजरी जी दी लासानी शहादत नूं स्काई न्यूज़ पंजाब वालों कोट कोट प्रणाम। अज असीं गल करांगे छोटे साहबजादियां अते माता गुजरी जी दी लासानी शहादत दे बारे, जिन्हां दी शहादत अते बहादरी दे अगे हर किसी दा सिर गर्व नाल उच्चा हो जांदा ते हर अख नम हो उठदी है। देखो इस ते साडी खास रिपोर्ट। यह उस समय की गल है जदों मुगल सेनावां ने आनंदपुर साहिब दे किले नूं चारे पासियां तों घेर लिया सी अते गुरु जी नूं कहा कि इस किले नूं शांतिपूर्वक खाली कर दिओ, असीं तुहाडी आवाम नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचावांगे। सच दा साथ देण वाले अते नया प्रिया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पंज प्यारियां दे हुक्म नाल अपनी सिख फौज दी खातर अते अपनी आवाम दी खातर ओह किला खाली कर दिता अते उत्थों चले गए। मुगल राजां दी नीयत पहलां तों ही ठीक नहीं सी। अपनी खोटी नीयत दे चलदे अते गुरु महाराज नूं पकड़न दे इरादे नाल ओह उन्हां दा पिछा करदे ने अते सरसा नदी दे कोल जा के हमला बोल दिंदे ने, जिथे कमासान युद्ध हुंदा है। सिरसा नदी पार करने दे दौरान उन्हां दा परिवार तीन हिस्सों विच वंडिया जांदा है। छोटे साहबजादे अते माता गुजर जी सरहंद वल नूं निकल पैंदे ने। जंगल पार करके छोटे साहबजादे अते माता गुजर जी एक झोपड़ी विच रात कटदे ने। उत्थे ही उन्हां नूं अगली सवेर गंगू रसोईया मिलदा है, जो गुरु जी दे घर रसोई दा काम करदा सी। गंगू रसोईया अपने विश्वास ते छोटे साहबजादियां अते माता गुजर जी नूं अपने घर सहेड़ी लै जांदा है अते बाद विच उसदी वी नीयत बदल जांदी है। मुगल सरकार तों इनाम पाउण दे लालच नाल ओह छोटे छोटे बच्चे अते माता गुजरी जी नूं मुगल सरकार दे हवाले कर दिंदा है अते उत्थे उन्हां नूं पकड़ के कोतवाली च बंद कर दिंदे ने अते इत्थों ही सरहंद दा किस्सा शुरू हुंदा है। कोतवाली तों छोटे साहबजादे अते माता गुजर जी नूं सूबा सरहंद दी कचहरी च पेश कीता जांदा है। सूबा सरहंद उन्हां नूं ठंडे बुरज च ठहराउण दा आदेश दिंदा है। ठंडा बुरज ओह जगह जो सूबा सरहंद ने गर्मियां च ठहरन लई अपने लई बनाया सी, जिथे एक पासे नदी बहिंदी सी जिथों ठंडी हवा आउंदी सी। तुसी सोच के देखो, एक अजही जगह ठहरना जिथे चारे पासियां तों हवा आ रही होवे अते ना ही उपर लैण नूं कोई कपड़ा होवे ना ही कंबल, साहबजादियां ने किवें उत्थे रात गुजारी होवेगी। छोटे साहबजादे सारी रात अपनी दादी दी गोद च कहानियां सुन के गुजार दिंदे सी। अगली सवेर साहबजादियां नूं वजीर दी कचहरी च पेश कीता जांदा है अते एक साजिश रची जांदी है कि अंदर आउण वाले दरवाजे दी छोटी खिड़की खोल दित्ती जावे तां कि जद बच्चे अंदर प्रवेश करन तां सिर चुका के करन अते सारे कहण बच्चियां ने सूबा सरहंद दे अगे सिर चुका लिया अते इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन हुंदा इह है इस तों सब कुछ उल्ट हुंदा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ते छोटे साहबजादे किथे चुकण वाले सी? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। लेकिन साहबजादियां ने कहा कि तुसी साडे पिता जी नूं पकड़ सको, इन्ना जोर तुहाडी पूरी हकूमत च नहीं है। इह सुन के सूबा सरहंद अपना आपा खो बैठदा है। उत्थे ही मलेरकोटला दा नवाब भी बैठा होया सी, उस नूं उकसाया जांदा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जंग दे मैदान च तेरे भरा दा कतल कर दिता सी, तां तुसी बच्चां नूं मार के अपना बदला लै सकदे हो। पर मलेरकोटले दा नवाब एक सच्चा मुसलमान हुंदा सी। ओह कहंदा है बच्चियां नूं मारना इस्लाम दे खिलाफ है, जेकर मैं गुरु गोविंद सिंह तों बदला लैणा होया तां मैं जंग दे मैदान च लवांगा। उसदी इह गल वी इतिहास दे पन्नियां च दर्जे। दो दिन तक कचहरी चलदी रही, एक एक करके कई योजनावां बनाईयां गईयां बच्चियां नूं डराउण लई। पर छोटे साहबजादे हर एक मुसीबत दा डट के सामना करदे रहे, हर एक मुसीबत दा भारी कचहरी च वी घबराए रही। उत्थे ही बैठा सुच्चा आनंद बोलदा है, बच्चियां दे तेवर तां देखो, इह सप्प दे सपोलिए ने।
इन्हां नूं कुचल देना चाहीदा है। जद छोटे साहबजादे नूं डराउण दीआं उन्हां दीआं सारीआं योजनावां असफल रहिंदीआं ने तां सूबा सरहंद काजी नूं बच्चिआं दे लई फतवा जारी करन दा हुक्म दिंदा है अते काजी बच्चिआं नूं जिंदा दीवार च चिणवाउण दा फतवा जारी कर दिंदा है। छोटे साहबजादे मुड़ के ठंडे बुरज वल जांदे ने जिथे उन्हां दी दादी उन्हां दा इंतजार कर रही सी। ओह रात छोटे साहबजादिआं दी आखरी रात हुंदी है। ठंडे बुरज च छोटे साहबजादे अते माता गुजर जी नूं खाण लई वी कुछ नहीं दित्ता जांदा सी। इह गल जदों मोती राम मेहरा नूं पता लगदी है तां ओह मुगल फौज दे सख्त पहरे दे चलदे होए वी अपनी जान दी परवाह कीते बिना बच्चिआं लई दुध लै के ठंडे बुरज चले जांदे ने। जिन्हां गिलासां नाल छोटे साहबजादिआं नूं दुध पिलाया गया सी ओह गिलास अज भी मोती राम मेहरा जी दे गुरुद्वारे च मौजूद ने। अगली सवेर जदों छोटे साहबजादिआं नूं लैण वजीर आउंदे ने तां दादी बच्चां नूं रोज दी तरह तैयार करदी है। उन्हां नूं गले नाल लगाउंदी है अते उन्हां दा चेहरा अपने हत्थां च लै के उन्हां दा मत्था चुम्दी है। उस तों बाद साहबजादिआं नूं सजा वाली जगह लै के जाया जांदा है जिथे उन्हां नूं दीवार च चिणवाया जाना सी। जलाद दीवार बनाउणी शुरू कर दिंदे ने। दीवार बनदे बनदे जदों गले तक पहुंचदी है तां दीवार डिग जांदी है पर छोटे साहबजादां दे सां अजे वी चल रही सी अते ओह बहरिम जलाद छोटे साहबजादां दे सिर कलम करके उन्हां नूं शहीद कर दिंदे ने। हिंदुस्तान दे इतिहास च त्याग अते बहादुरी दी मिसाल है इह शहादत। छोटे साहबजादां दी शहादत दा जद माता गुजर जी नूं पता लगदा है तां ओह उत्थे ही अपना शरीर त्याग दिंदे ने। मुगल सल्तनत दी बहरहमी तां देखो नवाब वजीर खान दे हुक्म ते मृतक शरीरां नूं शहादत वाली जगह ही छड्ड दित्ता जांदा है अते वजीर खान दे खौफ तों किसे ने भी माता जी अते छोटे साहबजादे दा अंतम संस्कार करन दी हिम्मत नहीं कीती। उत्थे ही एक खुदा दा बंदा दीवान टोडर मल नाम दा एक सेवक सी जो छोटे साहबजादियां अते माता जी दा अंतम संस्कार करन बारे सोचदा है तां उस नूं कहा जांदा है कि अंतम संस्कार करन लई उस नूं जमीन सोने दीआं मोहरां दे के खरीदनी पएगी। इंसानियत दिखाउंदे होए मुगल सल्तनत दी इस गल ते राजी हुंदे होए ओह जमीन खरीदन लगदा है तां सरकार बदल जांदी है अते कहंदे ने कि उन्हां नूं सोने दीआं मोहरां लैटा के नहीं खड़ी करके देनी पएगी। जिथे माता गुजर जी अते छोटे साहबजादे दा अंतम संस्कार कीता गया सी इह स्थान गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब च मौजूद है। यह इतिहास की सब तो महंगी खरीदी गई जमीन है जिथे माता गुजर कौर जी अते छोटे साहबजाद्यां दा अंतिम संस्कार किया गया। यह स्थान गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब च मौजूद है। हुंदे लई फिलहाल इन्ना ही, मैनू दे इजाजत, धन्यवाद। अपडेट दे लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो, फेसबुक चैनल नूं लाइक अते शेयर करो।